हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी सरस्वती एकेडमी में। आज का टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल डी सरस्वती एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। इसका आंसर है, नटालिया वॉज अ यंग अनमैरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स एज। नतालिया 25 वर्ष की एक युवा अविवाहित लड़की थी। शी लिव्ड इन द नेबरहुड ऑक्लोमोव, अ यंग अनमैरिड मैन। वह एक अविवाहित युवक लोमोव के पड़ोस में रहती थी। शी वॉज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर एंड वॉज नॉट बैड लुकिंग। वह एक उत्कृष्ट गृहिणी थी और दिखने में बुरी नहीं थी। शी वॉज थर्स्टी फॉर लव। वह प्यार की प्यासी थी। Her father called her a lovesick cat. उसके पिता ने उसे एक प्यार के लिए बीमार बिल्ली कहा। Lomov said that she was well educated, but she did not seem to be so. Lomov ने कहा कि वह अच्छी तरह से शिक्षित है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता। The lovesick cat, Natalia does not even know Lomov's reason of arrival to her house in the very beginning of the play. प्रेम के लिए बीमार बिल्ली नतालिया कहानी की शुरुआत में लोमोव के उसके घर आने का कारण भी नहीं जानती। राधा एंगेजेस हरसेल्फ इन अ क्वेरल विद लोमोव ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज। बल्कि खुद को लोमोव के साथ बैलों घास के मैदानों के स्वामित्व को लेकर झगड़े में उलझा लेती है। एंड देन अ क्वेरल ऑफ गैस वर्सेस स्क्वीजर्स। और फिर गैस स्क्वीजर्स का झगड़ा। She said that those meadows were not of much worth to her. उसने कहा कि वे घास के मैदान उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे। But she could not stand unfairness. लेकिन वह अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। She is a lonely and sharp-minded woman. वह एक अकेली और तेज दिमाग वाली महिला है। Who was not willing to give one inch of their land to others. जो अपनी एक इंच जमीन दूसरों को देने को तैयार नहीं है। But when she gets to know about Lomov's proposal of marriage, लेकिन जब उसे लोमोव के शादी के प्रस्ताव के बारे में पता चलता है, she desperately wants him back, तो वह उसे वापस पाने के लिए बेताब हो जाती है। Even though she is broached as an argumentative and quarrelsome woman, भले ही उसे एक बहस करने वाली और झगड़ालू महिला के रूप में पेश किया जाता है। She at once accepts Lomov's proposal to spend her remaining life with him. फिर भी वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताने के लिए लोमोव के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेती है।